आवर चैनल, दिस इज मी प्रीति। और आज के ब्लॉग में आप सिर्फ मुझे देखने वाले हैं। मैं आ चुकी हूँ हॉस्टल में, सो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में एक ब्लॉग शेयर कर लिया जाए, इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग है और हम लोग जा रहे हैं, मैं हूँ, मेरे साथ में है दीपिका दी, और हम लोग जा रहे हैं नीचे नाश्ता लेने के लिए, नहीं तो नाश्ते का भी टाइम फिक्स है और ख़त्म हो जाएगा। सो अभी हम लोग वहाँ नीचे चलते हैं, चलेंगे। यही है मेरी प्लेट और हम लोग जा रहे हैं नीचे। अपने आपको दिखवाएं, चलिए। संडे को 10 बजे यार, बता दो तुम लोग देर में उठते ना। लड़के आ रही हूँ, फोन दे रही हूँ। ये समय नॉर्मल है। हम चाय लेने आए थे नीचे, तो चाय तो हमें मिली नहीं, फिलहाल हम मट्ठे से एंजॉय कर रहे हैं एंड चाय बन रही है, और जैसे ही बन जाती है हम साथ में चाय भी एंजॉय करेंगे। मट्ठा और चाय थोड़ा सा अजीब है पर हमारा टेस्ट। तो आज है संडे और हमें पता नहीं था कि संडे को नाश्ता लेट में मिलता है, हम जल्दी चले गए थे, उन्होंने मना कर दिया नाश्ता नहीं है। सो अभी हम आ चुके हैं वापस रूम में, उनसे थोड़ा सा बहस भी हो गई। अभी हम जा रहे हैं, चाय हम लोगों ने बनवा ली है, नाश्ता तो नहीं मिला, चाय बनवा ली है, अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में चाय पियेंगे। सो आज नाश्ते में मिला है ये माइक्रोनी, टेस्टलेस माइक्रोनी, जैसे हॉस्टल का खाना होता है। कैसा है दी? बकवास एज यूजुअल, बकवास। लंच टाइम हो चुका है, हम लोगों ने छोटा सा नैप लिया है, इसीलिए फेस और ज़्यादा, अब यहाँ पर कोई काम भी नहीं है, करें तो करें क्या। सो अभी हम लोग जा रहे हैं लंच लेने के लिए, खाने का टाइम हो चुका है। आज आप पूरा दिन मेरे को ऐसे ही देखने वाले हैं, क्योंकि और उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मैंने सोचा था मैं आप लोगों को रूम टूर भी कराऊँगी, बट देखते हैं, ठीक लगा तो रूम टूर भी आप लोगों को आज मैं करा दूँगी। अभी फिलहाल नीचे खाना लेकर के आते हैं, नहीं तो फिर खाना भी ख़त्म हो जाएगा। हॉस्टल में खाने के टाइम था और 1 से 1.5 के बीच में खाना रेडी हो जाता है, लंच रेडी हो जाता है। अभी हम लोग वही लेने किचन में आए हुए हैं। आज बना है शायद ये कद्दू की सब्ज़ी, पूड़ी, और संडे को थोड़ा सा अलग हो जाता है डेली के हिसाब से। और संडे को यहाँ पे रात में खाना बनता भी नहीं है, शाम के टाइम का खाना नहीं मिलता है, वो आपको बाहर से लेना होता है। सो खाना मेरा आ चुका है, अभी मैं खाऊँगी। आलू की सब्ज़ी है, पूड़ी है, रायता है, यही सब खाना था आज लंच में। रूम हमारा 3rd फ्लोर पर है, अभी हम लोग खाना खा के थोड़ा सा बच गया था, उसे लेके वापस रूम में जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, 3rd फ्लोर मिला हुआ है हमें। हम लोग खाना खा के आ चुके हैं, लंच कर लिया है, पूड़ी सब्ज़ी और यही सब खाना था। और रात का खाना यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ दी बताइए, रात का खाना बता 600 की तरह लेते थे, रात का खाना बता रहे नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर से खा के आना है। तो हम लोग जाएंगे बाड़े और आपको भी लेके जाएंगे अपने साथ बाड़े। बाड़े यहाँ पे मार्केट है, जैसे लखनऊ में हमारे यहाँ अमीनाबाद है, वैसे यहाँ पे भी है, उसका नाम है बाड़े। हम लोग जाएंगे वहीं से खाना वाना खा के आएंगे, क्योंकि यहाँ तो रात में खाना मिलेगा ही नहीं। और रात में हम लोग अच्छी सी सो कॉल्ड पार्टी करने वाले हैं, खाना नहीं मिलेगा। हाँ। और रही बात ये मतलब दिखाने के लिए रूम टूर और सब सारी चीज़ें, वो मैं सोच रही हूँ आप लोगों को नाइट में दिखाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश है, लड़कियाँ आ रही हैं जा रही हैं। सो मैं सोच रही हूँ रात में ज़्यादा बेटर होगा, तब मैं आप लोगों को अपना रूम टूर भी करा दूंगी और बाकी सारी चीज़ें भी दिखा दूंगी। कौन है बोली कौन जगह करा मेरे सामने, उसको फेस करो, बाकी दिन पढ़ लेते हैं ना, संडे छोड़ो, पहले नहीं पढ़ना। बस बस गाइस, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, चेंज कर लिया है हमने, दी मेरे साथ है और हम लोग बस निकलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अभी हम लोग निकलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है बाड़े। मैं एक बार पहले भी आई थी तो मैं जा चुकी हूँ, आप लोगों को दिखा दूँगी मैं कैसा है। अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, हाँ हो जाएंगे लेकिन फिर भी एक बार बता दीजिएगा, तब से मैं लॉक हो जाएगा तो हम लोग बाहर ही। अच्छा सोचो हम लोग की प्रॉब्लम पहुँच जाए, दाबेली, हाँ आप दाबेली कुछ बता रही थी ना दी, दाबेली डिश है कोई। सो अभी संडे है, हॉस्टल की ज़्यादातर लड़कियाँ बाहर घूमने के लिए गई हुई हैं, क्योंकि आज का नाश्ता और खाना शाम का जो भी है वो मिलेगा नहीं, तो सब लोग कहीं ना कहीं बाहर निकले हुए हैं। और हमने भी पेपर में काफ़ी गैप था नेक्स्ट वाले में, सो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा घूम लेते हैं। यहाँ पे लोकल मार्केट है बाड़े, वहाँ पे जा रहे हैं, मैं पहले भी जा चुकी हूँ, अभी मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ दीपिका दी के साथ में। ग्वालियर में संडे को सुनसान सड़कें, ये भाई साहब दिखाई दे रहे हैं पूरी रोड पे मुझे, बस संडे के दिन ये हाल।
यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, यहाँ पे ऑटो में नंबर दिए हुए हैं कि मतलब आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे नंबर के हिसाब से आप ऑटो ले सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है, आप इजीली पहुँच सकते हो आपको जहाँ भी जाना है। फिर आप एक मिनट में पकड़ लोगे। अभी हम लोग मार्केट में एंटर कर चुके हैं, जैसे सारी नॉर्मल मार्केट्स होती हैं ये सब भी वैसा ही है, शॉप स्टार्ट हो चुकी हैं, पैदल का रास्ता है, कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं लेकिन ऑटो वगैरह अंदर तक नहीं आते हैं, तो हम लोग वहीं पर उतर गए थे बाकी सारी शॉप्स देखते हुए हम लोग अंदर जा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, संडे की वजह से थी या पता नहीं, यहाँ पे डेली होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी ज़्यादा अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट थी। मैं फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मैं इतना नहीं जा पाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था, अभी दीपिका दी के साथ आई हूँ तो इनको पता था यहाँ के बारे में थोड़ा सा, तो अभी काफ़ी दूर तक हम लोग घूम के आए थे, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, थक गए थे, तो अभी यहाँ पर हम लोग लस्सी ले रहे हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी ग्वालियर में, लखनऊ से ज़्यादा गर्मी थी ग्वालियर में। सभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइम में मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाइटिंग वगैरह में काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, भीड़ तो थी ही और गर्मी भी थी, लेकिन शाम के टाइम में थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था। यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई थी और हॉस्टल का टाइम भी हो रहा था, काफ़ी हम लोगों को लेट हो गया, दीपिका जी ने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी, मैंने भी थोड़ा बहुत सामान लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, तो हम लोग यहाँ से अभी बस निकलेंगे। निकलने के टाइम पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था, हमें नहीं पता था कि किधर से जाना है, तो काफ़ी पूछते हुए सब लोगों से तब हम लोग वहाँ पे गए थे। दीपिका दी को ब्लूटूथ भी लेना था तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे गए थे, वहाँ से लिया है और बस वापस जाएंगे हॉस्टल के लिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा है। यहाँ से निकलते हुए हमने डोसा खाया है क्योंकि हॉस्टल में तो खाना मिलना नहीं है और हमें लेट भी हो गया है, सो हम अभी यहाँ से बस फटाफट से निकलने वाले हैं। हॉस्टल बंद होने का टाइम 9 बजे का है और हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, देखते हैं नहीं बंद मतलब अगर बंद हो गया होगा तो हॉस्टल में गेट खुलवाना पड़ेगा, आंटी गुस्सा करेंगी। अभी हम लोग बस आ चुके हैं,
यहाँ मेन रोड पे उतरने के बाद में अंदर के लिए ऑटो नहीं मिलता है, जहाँ पे हमारा ऑटो मतलब हॉस्टल है वहाँ पे नहीं मिलता ऑटो, तो वहाँ तक हम पैदल ही जा रहे हैं वापस हॉस्टल में। काफ़ी टाइम ज़्यादा हो चुका है बट हम लोग लेट हो चुके हैं, देखते हैं गेट खुला है या नहीं खुला है, खुलवाना पड़ेगा शायद। तो अभी रूम पे चलने के बाद आप लोगों से मैं बाकी की बातें करते हैं। फाइनली हम हॉस्टल आ चुके हैं, हम काफ़ी थक गए थे, अभी हम लोग जाएंगे बस सीधे सोना है, बाकी की बातें बाद में करते हैं। का व्लॉग तो मैं नहीं ख़त्म कर पाई थी, आज मैं सोच रही हूँ कि आज जो कल का बचा हुआ व्लॉग था उसको मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि कल वापस आने के बाद में हम इतना ज़्यादा थक गए थे और काफ़ी लेट भी हो गया था कि हम बस खाना खा के और हम सो गए थे, खाना खा के तो हम आए ही थे और हम सो। तो यहाँ पे मैं भी आपको अपना हॉस्टल दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को हॉस्टल टूर नहीं कराया, मैंने आपको बोला था मैं कराऊंगी और वो मैं नहीं करा पाई हूँ। सो ये है हमारा हॉस्टल जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री करने के बाद में ये थोड़ा सा बरामदा काइंड ऑफ है, उसके बाद में सीधे जाके ये कुछ रूम्स हैं, राइट साइड में ये किचन वाला एरिया है, यहाँ पर आंटी अंदर काम कर रही हैं, मॉर्निंग टाइम है तो अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हैं। यहाँ से हम लोग कभी, हम लोगों का थर्ड फ्लोर पे रूम है तो हम लोग कभी ऊपर जाने का नहीं मन करता है, तो हम लोग यहीं पे टेबल जो लगी है यहीं पे बैठ के अपना नाश्ता कर लेते हैं। अभी चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। जब हम आए थे हॉस्टल लेने के लिए तो काफ़ी लेट हो गया था, सो हमें हॉस्टल रूम मिल नहीं रहे थे, कहीं पर हॉस्टल नहीं मिल रहा था, सो हमने यहाँ पर जब हम आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर भी कहीं खाली नहीं है, सो हमें थर्ड फ्लोर पर एक रूम अवेलेबल था वही लेना पड़ा। ये सेकंड फ्लोर पे जितने भी रूम्स आप देख रहे हो ना, यहाँ सारे के सारे आप सब में लड़कियाँ रह रही हैं, सारे रूम मतलब कोई भी खाली नहीं था। अभी हम चल रहे हैं थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे हमारा रूम है, सबसे लास्ट का रूम जो था एक सिंगल रूम वही बचा हुआ था, वही हमें मिला था। तो ये थोड़ा सा ओपन एरिया दिया हुआ है, यहाँ पर काफ़ी सारी रील्स मैंने बनाई हैं जो आप इंस्टा पर हमें देख सकते हैं, इंस्टा पर देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी रील्स यहाँ से बनाई हैं। अभी चलते हैं छत पर, छत पर भी अच्छा रूम्स हैं, मतलब प्लस पॉइंट ये है कि जब हम आए थे तो एटलीस्ट हमें थर्ड फ्लोर मिला, मतलब टॉप फ्लोर नहीं मिला, नहीं तो बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी है यहाँ पे, ग्वालियर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अगर ऊपर का रूम मिला होता तो क्या ही होता हमारा, इतना ज़्यादा ऊपर था। यहाँ पे थोड़ा सा ये लड़कियाँ हैं तो चेयर वगैरह पड़ी हुई है, ये दो या तीन रूम आई थिंक ऊपर हैं। अच्छा है हॉस्टल, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे स्टे किया है, दोनों बार मैं पिछले हॉस्टल में रहती थी जो अभी ख़त्म हो चुका है, वो बहुत बेकार हॉस्टल था, ये हॉस्टल अच्छा है, ठीक है, मतलब उन दोनों के कंपैरिजन में ठीक है। अभी वापस चलते हैं नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा रूम, मेरे रूम में हम तीन लोग रह रहे हैं क्योंकि मतलब फ्रेंड्स ही हैं हम आपस में तीनों लोग, इसीलिए हम लोग साथ में रह रहे हैं और रूम भी अवेलेबल नहीं था, सो और कोई ऑप्शन भी नहीं था, हम तीनों लोग साथ में आ गए हैं अपने रूम में। ये इस रूम में ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे दो अलमीरा है, इसमें रूही का सामान रखा हुआ है और इसमें मेरा सामान रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कपड़े हैं जो हैंग किए हैं क्योंकि प्रेस करने के लिए आयरन वगैरह नहीं है हमारे पास। ये छोटा सा एक टेबल दिया है जो काफ़ी ज़्यादा मैसी दिख रहा है इस समय, ये दो चेयर्स पड़ी हुई हैं, उसके बाद ये है बेड, हम तीन लोग एक रूम में रुके हुए हैं सोने के लिए, बेड है, तीन अलग अलग बेड हैं, एक छोटा सा कूलर दिया हुआ है साइड में, इसी के साइड में ये है एक वॉश एरिया जहाँ पर हम कपड़े वगैरह डाल के अपने सुखा लेते हैं। बालकनी आप समझ लो, थोड़ा सा मतलब बालकनी काइंड ऑफ है, और उसके बाद इधर है हमारा वॉशरूम, वॉशरूम के जस्ट बगल में एक ये डेस्क दिया हुआ है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सामान फैला पड़ा हुआ है, एक ये मिरर, यहाँ पर भी कुछ कपड़े हैंग हैं क्योंकि ऑब्वियसली रखने के लिए जगह नहीं है, स्पेस काफ़ी। दीपिका दी हैं, दी से हाय। तो बस ये हमारा एक छोटा सा रूम टूर आप लोगों के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये मैं अगले दिन शूट कर रही हूँ क्योंकि उस दिन काफ़ी टाइम मुझे मिला नहीं था।